उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर एक वाहन नदी में गिर गया। वाहन में 6 लोग सवार थे, जिसमें से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 2 घायलों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम को गंगोत्री हाईवे के पास वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली। वाहन में 6 लोग सवार थे। सूचना मिलने पर पुलिस SDRF की टीम मौके पर पहुंची, जहां हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 3 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया था, जिसमें से 1 ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। वहीं 2 अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। देखिए, उत्तरकाशी से भटवाड़ी की तरफ एक इको वाहन आ रहा था, और जो इसमें गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही सेंज के पास ये जगह पड़ती है, और उसमें ऊपर से पत्थर आने के कारण एक वाहन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 6 लोग सवार थे टोटल, और 6 में से अभी 3 डेड बॉडी तो हमने निकाल दी है। 3 लोग हमने अस्पताल रवाना किए, उसमें से भी एक महिला की मृत्यु होना बता रहे हैं, तो टोटल कैजुअल्टी 4 हैं और बाकी रेस्क्यू कार्य गति में। सर, ये डेंजर जोन बनता चला जा रहा है, लगातार पत्थर शॉट्स हो रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, हमने ऐसे चिन्हित भी किए स्थान और वहाँ पे ड्यूटी का डिप्लॉयमेंट भी किया, परंतु नए नए जो जैसे कल रात ही बारिश हुई है, तो उस कारण से नया जोन डेवलप हुआ है, तो उसका भी अब आगे से ध्यान रखा जाएगा। सर, लगातार दूसरी घटना है ये कम समय अंतराल पे, क्या कहेंगे? जी देखिए, इसके लिए सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, अब जो भी है अगर फोर्स का डिप्लॉयमेंट करना है वो भी किया जा रहा है, बाकी अन्य जगह पे हम लोग ऐसे डेंजर जोन चिन्हित करके उन पे साइनेज वगैरह भी लगाने की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि भटवाड़ी ब्लॉक के द्वारी गांव के 5 लोग और पाई गांव का एक व्यक्ति उत्तरकाशी से अपने गांव जा रहा था। अचानक उनका वाहन आर्य विहार आश्रम के पास 20 मीटर नदी में गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 6 लोग सवार थे, 3 की मौके पर ही मौत हो गई। 3 घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां 1 ने दम तोड़ दिया है। इस दुखद घटना से भटवाड़ी क्षेत्र में शोक की लहर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं हूँ आपके साथ निहारिका बिश्र, और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।